नमस्कार, मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आज मिरर मीडिया की टीम निकल चुकी है आपको तोपचाची झील के दर्शन कराने। जैसा कि न्यू ईयर चल रहा है, कई लोग इस वक्त जो है पिकनिक मना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ। तो तोपचाची झील धनबाद के वासियों के लिए काफ़ी अच्छा एक पर्यटक स्थल है जिसपे लोग जाते हैं, अपने अच्छे समय बिताते हैं। तो आज मिरर मीडिया की टीम आपको पूरी तरह से बताएगी कि किस प्रकार आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जो रोड है, ये राजगंज नेशनल हाईवे है जिससे हम अभी जा रहे हैं, और इस रोड की खूबसूरती भी देखते बनती है। रोड में भी जैसा कि देखा जा सकता है कि सामने हमारे पारसनाथ पहाड़ नज़र आ रहा है, तो कहीं भी रोड में अलग ही सुंदरता, सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ ही हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपको बताएंगे। और हमारे साथ आज आप भी तोपचाची झील का सफ़र एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। आगे हम अपनी सहयोगी अंजलि से भी जुड़ेंगे और उससे भी विभिन्न जानकारियाँ लेंगे। तो जैसा कि अब हम पहुंच चुके हैं तोपचाची झील के सामने, आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है, साथ ही यहाँ पे टिकट खिड़की भी बनाई गई है जहाँ पे टिकट काट कर आप अंदर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे जो टिकट चार्जेस हैं सभी वाहनों के अलग अलग निर्धारित किए गए, तो उसकी सूची हम यहाँ स्क्रीन में डाल देंगे, जिस कारण आपको अगर यहाँ आप आने वाले हैं तो आपको उस टिकट्स की सूची की आपको जानकारी मिल जाए। आप जिस वाहन से आ रहे हैं उसकी कितनी जो रकम है वो आपको चुकानी पड़ेगी। साथ ही आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, प्रकृति का हरण ना करें, आओ बचाए वन और पर्यावरण। जैसा कि यहाँ पे कई पर्यटक आते हैं, लेकिन पर्यटक स्थल होने के बावजूद यहाँ पे कई पर्यटक जो आते हैं वो गंदगी फैला के जाते हैं, तो यहाँ पे प्रकृति को बचाने के लिए भी अच्छे संदेश दिए हुए हैं। साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे नो प्लास्टिक जोन भी लिखा गया है। जैसा कि यहाँ पे नो प्लास्टिक जोन का मतलब होता है कि यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल करना मना है। तो हम आपको अंदर के नज़ारे भी दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ पे चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ है और काफ़ी सुंदर प्रकृति के बीच अगर आप समय बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ आए, अपने परिवार के साथ आए और अच्छे समय प्रकृति के साथ बिताएं। तो जैसा कि मेरे सहयोगी ने आपको तोपचाची झील आने के लिए मार्ग बताया, जानकारी दी पूरी कि कहां से आना है, किस मार्ग द्वारा आ सकते हैं, जो आपका जो यात्रा होगी वो आपकी और भी सुगम होगी। तो हम पहुंच चुके हैं तोपचाची झील के अंदर और आपको दिखाते हैं, यहां एक थोड़ा सा समय लेते हैं और पूरी जो प्रकृति की सुंदरता है यहां वो हम आपको अपने कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। यहां हर मौसम में जो यहां की सुंदरता है बहुत ज़्यादा, मॉनसून की बात कर ले, विंटर की बात कर ले, या समर की बात कर ले, यहाँ पर हमेशा ऐसी ही खूबसूरती बनी रहती है। अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बता दें तो ये अंग्रेज़ों द्वारा 1924 में बनाई गई थी और अभी भी ये उसी प्रकार खड़ी है। और आप देख सकते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है उसी से पता चल रहा है कि झील की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी सुंदर है, और ये प्रकृति से जोड़ते हुए इस झील की सुंदरता और बढ़ती है। इस वजह से पर्यटक यहाँ आते हैं, अपना समय बिताते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, पिकनिक स्पॉट है। तो 1 जनवरी, आज जैसे न्यू ईयर चल रहा है तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं जगह जगह। अभी पूरी जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ब्रिज, झील के ऊपर ब्रिज है उस पे लोग पूरे खचाखच भरे हुए हैं, सब यहाँ पर जो यहाँ की प्रकृति की प्रकृति का जो नज़ारा है वो देख रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। तो हम आपको वहाँ भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि अंदर से ये ब्रिज कैसा दिखता है और यहाँ से जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आपको दिखाते रहेंगे, तो बने रहें। चलो चलो।
जैसा कि हम मौजूद हैं तोपचाची झील के ऊपर बने ब्रिज पे, तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ये ब्रिज शुरू होता है और इधर जो है ये तोपचाची झील के पूरे नज़ारे हमें देखने को मिलता है। ये जो झील है ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सुखद नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। साथ ही अभी धुंध के कारण काफ़ी पहाड़ी हैं जो साफ साफ नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी सुखद हैं। अभी हवा की जो दिशा है वो काफ़ी तेज़ है, जिस कारण हमें पानी की कलकल भी सुनाई दे रही है, जो काफ़ी हमें सुखद आनंद देते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि इधर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ से बिना बिजली के वाटर पानी यानी कि जो सप्लाई पानी हमारे घर पे जाता है वो बिना बिजली के यहाँ से फिल्टर होके यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं, यहाँ पे काफ़ी पर्यटक भी आए हुए हैं, यहाँ पे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं, अपने परिवार वालों के साथ आए हैं, कहीं यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं तो कहीं ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे लोग आते हैं अपने परिवार वालों के साथ, मज़े करते हैं, अच्छे वक्त बिताते हैं, साथ ही प्रकृति के साथ भी उन्हें जुड़ने का मौका मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि दिसंबर से लेके फरवरी तक के महीने में यहाँ पे कई विदेशी चिड़िया भी आते हैं, तो जो बर्ड वॉचिंग के शौकीन होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और बर्ड वॉचिंग करते हैं, साथ ही चिड़ियों को देखते हैं जो आते हैं कई दूर दूर से। यहाँ पे कई चिड़िया जो हैं वो आके मेटिंग करते हैं, अंडे देते हैं और उसके बाद वो कुछ समय रहने के बाद वो वापस अपने सफ़र पर लौट जाते हैं। तो जुड़िए मेरे सहयोगी अंजलि से और जानते हैं इसके बारे में। और तो जैसा कि मेरे सहयोगी प्रतिज्ञा ने आपको ये ब्रिज के ऊपर से सारी जानकारी ये दी कि यहाँ पर मीटिंग के लिए बर्ड्स आते हैं, यहाँ पर वो कुछ समय के लिए रहते हैं, जिसकी वजह से ये झील काफ़ी ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ ये झील इस वजह से भी फेमस है कि यहाँ के डैम के गेट्स बने हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके सारे चरखे वगैरह बने हुए हैं और नीचे की तरफ से यहाँ पर गेट है। जब पानी का स्तर बढ़ता है तो ये गेट खुलता है और उस तरफ पानी बहा दिया जाता है ताकि ये जो पानी है उसका स्तर निम्न रहे। यहाँ पर मैं यहाँ आपको कैमरा के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ जो पानी झील है अभी इसका स्तर कुछ कम है, जब इसका स्तर ज़्यादा हो जाता है तो ये डैम के गेट्स खुल जाते हैं और दूसरी तरफ पानी को बहा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है, अभी जो न्यू ईयर का सीज़न चल रहा है सभी पिकनिक मनाने आए हैं, तो यहाँ पर पर्यटक भी आए हैं, अपना एक खास टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। नेचर से जुड़ने का ये बहुत अच्छा मौका है, जहाँ पर लोग अभी जैसे शीत लहर भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, तो पिकनिक का जो मज़ा है ये शीत लहर और ज़्यादा बढ़ा रही है। तो हमने आपको यहाँ से धनबाद से यहाँ आने का सफ़र भी बताया, यहाँ से जुड़ी जानकारियाँ भी दी, यहाँ पर क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसके बारे में दिया। अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का, या फिर आ चुके हैं, या फिर मन बना रहे हैं कि यहाँ पिकनिक मनाने के लिए, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो में आपको खासा जानकारी दी गई कि इस लेक में है क्या, यहाँ पर झील के क्या क्या खास बातें हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मेरा मीडिया के साथ, मेरे सहयोगी के साथ, मैं अंजलि, मेरा मीडिया धनबाद।